إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَاعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه वक़ूलु कलन सदीदा युस लहलकुम आमालकुम व गफ फिरलकुम दुनूबुम व मैत व रसूल फ़कद फ़ादफन अज़ीम हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रबुआलमिन के लिए लायक और ज़ेबा है और दरुदोसलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा मुस्तफ़ी अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाज्रेन वो काम जिनसे बचना ज़रूरी है तफसील के साथ इस पर जुमा के ख़बात हो रहे हैं अब तक तीन खुतबे इस सिलसिले में हो चुके हैं आज ये चौथा खुतबा है कि वो काम जिनसे हमको बचना ज़रूरी है उसमें से आठ का ज़िक्र इससे पहले मैंने किया है नवा काम जिससे बचना हम सबको ज़रूरी है झूठ है झूठ पूरे माशरे में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। और लोग झूठ बोलना आय नहीं समझते क्या छोटा क्या बड़ा क्या अमीर क्या गरीब क्या मर्द क्या औरत क्या बच्चे क्या बूढ़े तमाम लोग झूठ में घुसे हुए हैं झूठ को आए भी नहीं समझते हैं हालांकि अल्लाह तबारक ने सूरे काफ के अंदर फ़रमाया मा यलफिज़ो मिन कलिन अदही रकीबन आतीत इंसान अपनी ज़ुबान से जो भी जुमला निकालता है एक निगहबान फरिश्ता रहता है जो उसको नोट कर लेता है अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे साथ अल्लाह ताला ने निगहबान फ़रिश्तों को मुतन कर दिया इंसान जो कुछ भी बोलता है इंसान जो कुछ भी करता है उसकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को एक एक लफ्ज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इंसान झूठ बोलने से परहेज़ करेगा हमें चाहिए कि हम अपने जहनो दिमाग में ये बात महफूज़ कर लें कि इंसान जो कुछ भी गुफ्तु करता है फरिश्ते उसको रिकॉर्ड करते हैं लिखते हैं इसी तरीक़े से झूठ बोलना एक इंसान एक बार झूठ बोलता है दो बार झूठ बोलता है धीरे धीरे लोगों को मालूम हो जाता है कि ये इंसान झूठा है फिर क्या होता है वो इंसान लोगों के दरमियान बेएतबार हो जाता है लोग उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देते हैं कहते हैं छोड़ो वो झूठा इंसान है वो झूठ बोलता रहता है तो झूठ बोलने से इंसान बंदों के दरमियान बेएतबार हो जाता है झूठ बोलने से इंसान रब की निगाह में गुनहगार हो जाता है इसलिए आदमी को झूठ से परहेज़ करना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना किया है सही बुखारी की हदीस है ईयाकुम वल कुमलक़ीब लोगों अपने आप को झूठ से बचाओ फ़ा नलक़ीबा यह दि अल फ्फजूर इसलिए कि झूठ बोलना इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है व इनफजूरा यह दि अल नार और गुनाह इंसान को जहन्म की तरफ ले जाता है व इन नल अबद्दा लकजीबो और बेशक बंदा झूठ बोलता है हतल्ला ही कज़ाबा यहाँ तक कि वह के यहाँ कज्जाब लिख दिया जाता है। आदमी एक बार झूठ बोलता है दो बार झूठ बोलता है झूठ बोलना उसकी आदत पड़ जाती है तो झूठ बोलने से इंसान गुनाह की तरफ जाता है गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है इंसान झूठ बोलता है और अल्लाह के नज़दीक उसका नाम झूठे लोगों में लिख दिया जाता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको झूठ से महफूज रखे गजवे तबू के मौका पर काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तह जंग में शरीक नहीं हो सके बहुत लंबी हदीस से सही बुखारी की उस वक्त काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तु कहते हैं मैं चाहता तो झूठ बोल देता कोई बहाना बना देता लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने झूठ नहीं बोला मैंने जो सच बात थी वो बता दी और उस सच बोलने की वजह से मुझे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपका सिविल बाइकॉट किया गया कोई मुसलमान आपसे सलाम नहीं कर सकता है हतिकाब बिन मालिक अगर सलाम करेंगे तो कोई जवाब भी नहीं देगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेतिकाब बिन मालिक से कहा कि अपनी बीवी को उसके मैके भेज दो ये तमाम मुसीबतें क्यों आईं सच बोलने की वजह से हेतिकाब बिन मालिक कहते हैं मैं झूठ बोलता तो बच जाता लेकिन मुझे यकीन था कि आज अगर मैं झूठ बोल दिया तो कल अल्लाह तबारक नबी वसल्लम को बता देगा वही के जरिए से कि काब ने झूठ बोला है और मैं कल की रसवाई से बचना चाहता था मेरे भाइयों झूठ मत बोलो झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह झूठ बोलना निफाक की अलामत अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने मुनाफिक की जो तीन निशानियाँ बताई हैं और एक हदीस में चार निशानियाँ बताई हैं उसमें से एक निशानी यह है कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता इज़ा हद कब जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है झूठ बोलने वाला मुनाफिक हो जाता है इसलिए हमको झूठ से बचा अपने आप को बचाना चाहिए बहुत सारे लोग हैं ताजर पेशा लोग तजारत करते हैं तजारत की बड़ी फजीलत हदीस में बयान की गई है तजारत में अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी है लेकिन बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं उनको बताया जाता है कि भाई झूठ मत बोलो तो कहते हैं हम कारोबारी लोग हैं झूठ बोलना पड़ता है क्यों झूठ बोलना पड़ता है? क्या जो लोग सच बोलते हैं वो कारोबार नहीं करते हैं इंसान की आदत पड़ गई है झूठ बोलने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलने से तुम्हारा कारोबार तो चमक जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनका कारोबार बहुत अच्छा है लेकिन बरकत नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोल करके झूठी कसम खा करके इंसान अपना माल बेच देता है लेकिन बरकत से महरूम हो जाता है तो झूठ बोलने से तिजारत में बरकत ख़त्म हो जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो ताजर जब आपस में कोई सौदा कराएं तो उनको चाहिए कि हक बयानी से काम लें बेचने वाला भी सही बात बताए खरीदने वाला भी सही बात बताए जब दोनों हक बयानी से काम लेंगे सच्चाई से काम लेंगे तो बेचने वाले को भी बरकत होगी ख़रीदने वाले को भी बरकत होगी आज बहुत सारे ताजर लोग व्यापारी लोग उनको बताया जाता है तो कहते हैं भाई व्यापार में थोड़ा झूठ बोलना पड़ता नहीं बिल्कुल नहीं झूठ मत बोलें झूठ बोलने से तिजारत चमक सकती है बरकत नहीं हो सकती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए झूठ बोलने से मना किया है झूठ बोलने की वजह एक वजह यह भी है झूठ का एक तरीक़ा यह भी है कि आप कोई बात सुने और किसी से बयान कर दें ऐसे लोगों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है आपने कोई बात सुनी उसने आपने तहकीक नहीं की और एक बात सुनी और दूसरों को बयान कर दी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कफ़ा बिल मर कदिबन कज बन आदमी के झूठ होने के लिए झूठा होने के लिए यही काफी है कि सुनी सुनाई बात को दूसरों तक मुंतकिल कर दे किसी के खिलाफ आपने कोई बात सुनी कि फला आदमी फला आदमी के खिलाफ ऐसा कह रहा था आपने तहकीक नहीं की आपने दूसरे को बता दिया फिर दूसरे ने तीसरे को बता दिया अब वो आदमी बदनाम हो गया हालांकि उसकी कोई हकीकत ही नहीं है तो झूठ बोलना ये भी है अब आप सोचेंगे मैंने तो नहीं बोला है मैं जो सुना था वो बता दिया हूँ अल्लाह के नबी फरमाया कफा बिल बिलमर कदीबन यिसा बेकुल्लम समिया हर सुनी सुनाई बात को लोगों के सामने बयान कर देना ये क्या है झूठ है सुनी सुनाई बात लोगों के सामने ना बयान करें इसी तरीके से झूठ का एक तरीका यह है झूठी गवाही देना झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा है बल्कि कबीरा गुनाहों में भी बड़ा है अल्लाह के नबी वसल्लम की वो मशहूर हदीस सही बुखारी की अबू बकरारज़ी अल्लाह तु हदीस के रावी हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा बताओ क्या मैं तुमको बड़े बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊँ कालूबला या रसूल अल्लाह साहबा ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए तो आपने फरमायाल इशरा कब्ला वक़ूक वालिदेन अल्लाह के साथ शिरक करना माँ बाप की नाफरमानी करना और आपने फरमा व कौलूरी व शहादत अदूर, झूठी बात करना झूठी गवाही देना झूठी गवाही देना आज फैशन हो गया आप किसी मामलियत में फंस जाएं, आप किसी को पैसा दे करके झूठी गवाही दिलवा लें तो झूठ बोलना कबीरा गुनाहों में भी बड़ा है अकबरुल उलकबा महापाप अल्लाह तबारक हम सबको झूठ से महफूज रखे झूठ बोलता क्यों है कोई जो बच्चे पैदा होते हैं मासूम बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं कभी झूठ किससे सीखते हैं अपने बड़ों से सीखते हैं और हम उनको झूठ सिखाते हैं आपके घर में आपका फोन आया किसी ने फोन किया आप घर में मौजूद हैं आपने अपने बच्चे से कहा फ़ोन उठाओ बोल दो अबू घर पे नहीं है किसने झूठ सिखाया आपने सिखाया वो बच्चा नहीं चाहता है क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहते लेकिन आपने उसको झूठ बोलने के लिए कहा वो कहता है अबू घर पे नहीं है अबू सो रहे हैं झूठ बोलना हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते बच्चे पढ़ने नहीं गए अब डर है कल वस्ताद मारेगा मां बच्चों को कहती है कह देना कल तबीयत खराब हो गई थी तो मां बाप अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते मेरे भाइयों कितना गुनाह कर रहे हैं हम बेषोरी में हमें एहसास भी नहीं होता कि हम गुनाहों की बीज डाल रहे हैं और आज ये जो गुनाह की बीज डाल रहे हैं कल तनावर दरख्त हो सकता है हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं नतीजा ये होता है कि एक एक बुनियाद झूठ की बुनियाद पर एक इमारत कायम होती है हमें चाहिए कि खुद भी अपने आप को झूठ से बचाएँ और अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश करें वो काम जिनसे बचना जरूरी है उसमें से दसवां काम फरेब है फरेब धोखा, आज धोखा देना मामूली बात हो गई दोस्त अपने दोस्त को धोखा देता है शोहर अपने बीवी को धोखा देता है बीवी अपने शोहर को धोखा देती है ता, ताजिर अपने पार्टनर को धोखा देता है यहां तक कि लोग अल्लाह को भी धोखा देते हैं अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हमला जो शख्स हमारे ऊपर हथियार उठाए खंजर उठाए वो हमें से नहीं है वमन गशना फलई समन्ना सही मुस्लिम की हदीस है जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है आज मुसलमानों की पहचान मार्केट में धोखेबाज से है आज कोई आपसे तिजारत नहीं करना चाहता है आज कोई आपसे लेन देन नहीं करना चाहता एक ज़माना था कि मुसलमानों का नाम था मार्केट में आज लोग हमसे कारोबार नहीं करना चाहते मार्केट का माहौल इतना खराब कर दिया है कुछ मुसलमानों ने और मेरे भाइयों हकीकत है यह हकीकत है कि आज लोग धोखा जो दे रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है लोग वलमा को धोखा देते हैं कोई धोखे से किसी को पाक नहीं रखा गया इस कदर धोखाबाजी आम है अल्लाह तबारक हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ इससे मना किया मन गशना फलई समा जो धोखा दे वो हम में से नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक बाजार में जा रहे थे देखा कि गल्ले का ढेर लगा हुआ है आपने अपना हाथ अंदर डाला देखा कि अंदर का गल्ला भीगा हुआ है आपने भीगा हुआ गल्ला बाहर निकाला ताजिर को बुलाया कहा यह क्या मामला है ऊपर से तो गल्ला सूखा है अंदर भीगा है तो उस ताजिर ने कहा रात में बारिश हुई थी मैंने भीगा हुआ गल्ला नीचे रख दिया सूखा हुआ गल्ला ऊपर कर दिया ताकि कोई व्यापारी आए और पूरे लाट को देख करके खरीद ले और सूखे हुए गल्ले के साथ भीगा हुआ गल्ला भी निकल जाए प्यारे नबी ने फरमाया मन गशना फलई सा मिनना जो धोखा दे करके तिजारत करे वो मेरा उम्मति नहीं आज कितना धोखा देते हैं तिजारत में कितना धोखा दे रहे हैं आप लोगों को किस कदर धोखेबाजियां आम हैं इसी तरीके से धोखे की एक शक्ल है नजश अल्लाह के नबी सना वाला तना जशो तुम नजश ना किया को नजश क्या है ये अरबी का लफ्ज़ है एक चीज़ की बोली लगाई जाती है सिस्टम है ताज़ीर लोग जानते हैं कोई एक चीज़ है उसकी बोली लगाई जाती है जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा उसी को वो चीज़ दी जाएगी तो नजश कहते हैं हमको खरीदना नहीं है हमको सिर्फ़ बोली लगाना है ये ये लोग पहले से प्लान प्री प्लान करके इस तरह का माहौल बनाते हैं एक सामान है हमारा एक भाई ख़रीदना चाहता है अब हम चाहते हैं कि वो ना ख़रीदे इसलिए हम पहुंचते हैं उसकी कीमत बढ़ा देते हैं एक की कीमत दस हज़ार थी हमने पहुंच करके उसको बारह हज़ार कर दिया अब जाहिर सी बात है उसको ज़रूरत है वो ना चाहते हुए दस हज़ार में जो ख़रीद रहा था हमने बारह हज़ार लगा दिया अब वो पंद्रह लगाएगा तेरह लगाएगा इसको नजश कहते हैं धोखा देना तो एक आदमी जो कोई चीज खरीदना नहीं चाहता है लेकिन भाव बढ़ाने के लिए ऐसा करता है इसको नजश कहा जाता है अल्लाह के नबी सासर ने फरमाया वला तना जशो धोखा मत दो यानी तुमको खरीदना नहीं है फिर भी लोगों के सामने यह बताने की कोशिश करते हो कि तुम उस माल को खरीदना चाहते हो यह धोखा है और मार्केट में यह धोखा कितना हो रहा है इस तरीके से धोखे का मामला बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है लोग अपने मालिक को धोखा देते हैं आप किसी के यहां काम करते हैं आपका वक्त मुतन है इतना घंटे आपको काम करना है लेकिन उस वक्त में आप मालिक का काम करने के बजाय अपना काम करते हैं यह धोखा है यह धोखा है या इसी तरीके से जो काम करना था वो काम नहीं कर रहे हैं ये धोखा है इसी तरीके से धोखे की एक शक्ल ये भी होती है कि लोग अपने मातहतीन को धोखा देते हैं आप हमारे बड़े हैं हमने आपके ऊपर एतमाद किया ये हमारे बड़े हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे लेकिन आपने हमको कॉन्फिडेंस में ले करके हमारे साथ धोखा किया आज बड़े लोग अपने मातहतीन के साथ धोखा दे करते हैं ये ये सारी चीज़ें हराम हैं इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपने वालदेन को भी धोखा देते हैं इसकी बहुत सारी शक्लें हैं हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं कॉलेज के लिए निकलते हैं माँ बाप बहुत खुश हैं मेरा लड़का मेरी लड़की पढ़ने जा रही है डिग्रियाँ हासिल करेगी हमारा लड़का बहुत तरक्की करेगा हमारी बेटी बहुत तरक्की करेगी लेकिन कहाँ हैं दोस्तों के साथ घूम रहे हैं माँ बाप को धोखा दे रहे हैं उस्ताद को धोखा दे रहे हैं मेरे नौजवानों प्यारे बच्चों बच्चियों किसको धोखा दे रहे हो किसको धोखा दे रहे हो और ये धोखा देना तुम्हारे लिए कितना भारी पड़ सकता है एक माँ बाप जो अपना खून पसीना बहा करके अपने अरमानों का गला घोंट करके ये चाहते हैं कि उनका बेटा तरक्की करे उनकी बेटी तरक्की करे आला डिग्रियां हासिल करें लेकिन तालीम के नाम पर औलाद अपने माँ बाप को धोखा दे रही है कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं हमारे नौजवान हमें एहसास है इस बात का बहुत सारे नौजवान अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं और ये आज से नहीं जमाने से ये बात चली आ रही है है तो यूसुफ अली तो सलाम के भाइयों ने अपने बाबा बाप को धोखा दिया कहा बुज़ान जान आप यूसुफ को बहुत प्यार करते हैं यूसुफ को हमारे साथ नहीं भेजते हैं बाप ने कहा बेटा यूसुफ अभी बच्चा है हमें डर है कि कहीं तुम लोग गफलत के शिकार ना हो जाओ और मेरे बच्चे को भेड़िया खा जाए लेकिन औलाद ने अपने माँ बाप को धोखा दिया क्या कहा अब्बू हम नौजवान हैं हम बहादुर हैं हम ग्यारह भाई हैं हमारे होते हुए हमारे भाई को भेड़िया खा जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है कैसा धोखा दे रहे हैं देखो प्री प्लान के तहत पहले से प्लान बना लिया गया है कि यूसुफ को ले जाएंगे बाप को धोखा देंगे यूसुफ को कत्ल कर देंगे कैसा प्लान बनाया गया बाद में वो कत्ल, उसको चेंज करके उसको तब्दील करके कुएं में डाला गया किस कदर वाल वालदेन को अपनी अपनी अपने वालदेन को हमारे बच्चे धोखा दे रहे हैं तो बहुत सारे नौजवान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं बहुत सारे लोग बीवी बच्चों को धोखा देते हैं बीवी बच्चों को धोखा देना क्या है आप कुछ कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो हकीक़त नहीं है आप अपनी बीवी से गलत बताते हैं अपने बच्चों से गलत बताते हैं या इसी तरीके से आप धोखा देते हैं आपने अपनी बीवी से कहा था महर के वक्त कि हम आपको महर देंगे लेकिन आपकी नीयत है कि नहीं देंगे ये धोखा है पहले ज़माने में ऐसा चलता था अलहमदिल्ला इस इस मामले में अब काफ़ी तब्दीली आ गई है लोग फौरी तौर पर माहर अदा कर देते हैं लेकिन पहले ज़माने में क्या था अपना अपना एटिकेट दिखाने के लिए अपनी हैसियत दिखाने के लिए लोग समाज के सामने जमात के सामने बहुत ज़्यादा महर रखते थे और उसको लिखा लिखा देते थे कि बाद में देंगे ये तरीका जायज़ है शरीयत ने इसको जायज़ रखा है भाई बाद में दे सकता है अगर बीवी राजी है तो आप बाद में महर दे सकते हैं लेकिन नीयत क्या थी जमात को बताएंगे हमने हमने दस तोला दिया है हमने बीस तोला सोना दिया है लेकिन इरादा है कि देंगे नहीं ये धोखा है लोग अपनी बीवी को धोखा देते हैं अपने बच्चों को धोखा देते हैं ये तमाम चीज़ें धोखे में शामिल हैं इसी तरीके से धोखा देने की एक शक्ल ये है कि लोग नेक नहीं हैं, नेक बनने की एक्टिंग करते हैं कितना धोखा हो रहा है अरे भाई आप नेक बनें, अल्लाह ताला आपके मकाम को बुलंद कर देगा मुझे एक हदीस याद आ रही है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक बंदा नेक बनता है अल्लाह की रजा के लिए काम करता है तो अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है हजरत जबरील को बुलाता है कहता है जबरील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं लिहाजा तुम आसमान वालों के अंदर ऐलान कर दो कि वो लोग भी उस बंदे से मोहब्बत करें हजरत जबरील तमाम फरिश्तों को इकट्ठा करते हैं और ऐलान करते हैं कि फ़रिश्तों फर, फ़लां बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत कर रहा है मैं भी उससे मोहब्बत कर रहा हूं तुम भी उससे मोहब्बत करो तो तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं मेरे भाइयों नेक बनो नेक बनने की एक्टिंग ना करो है कि नहीं आज कितने लोग हैं नेक बनने की एक्टिंग करते हैं नेक है नहीं नेक बनना सीखो नेक बनने की एक्टिंग मत करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं फिर हजरत जिब्रील आसमान की मखलूक में ऐलान कर देते हैं फिर हजरत जिब्रील दुनिया के फरिश्ते को बुलाते हैं और कहते हैं कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है आसमान की मखलूक भी उससे मोहब्बत करती है लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो इसलिए ज़मीन का फरिश्ता ज़मीन में ऐलान कर देता है और हर नेक आदमी उससे मोहब्बत करने लगता है आप नेक काम करेंगे अच्छे लोग आपसे मोहब्बत करेंगे आम लोग नहीं करते हैं कोई बात नहीं हमें सबकी मोहब्बतों की जरूरत भी नहीं है झूठी मोहब्बतों की जरूरत भी नहीं है नेक लोग मोहब्बत करें बस यही काफ़ी है मेरे भाइयों, अल्लाह वाले जो होते हैं उनसे अल्लाह वाले मोहब्बत करते हैं और अल्लाह वाले करें या ना करें अल्लाह मोहब्बत करता अल्लाह अकबर अल्लाह हम सबको नेक बनने की तोफ़ी इनायत फरमाए गैरहमी बात जिससे बचना हमको ज़रूरी है बदअहदी वादा खिलाफी करना आज ये भी चीज़ बड़ी, बड़ी तेज़ी के साथ ए, समाज और माशरे में फैल रही है अल्लाह ताला ने सूरह माईदा में फरमाया या अय्युहल लदीना आमनू मनो अव फूबिल औकूद ईमान वालो जो तुम अहदो पैमान करो उसको पूरा करो हमारे और आप के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ हमारे और आपके दरमियान कोई मुआहदा हुआ जरूरी है कि आप भी पूरा करें जरूरी है मैं भी पूरा करूं इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा आयत नंबर चौंतीस में फरमाया वहफू बिल अहद इन अल अहद का नमस जो अहदो पैमान तुम करते हो उसको पूरा करो क्यों अहदो पैमान के ताल्लुक से क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा ये जो हम आपस में एग्रीमेंट करते हैं या आपस में जो हम अहदो पैमान करते हैं ये दुनिया की हद तक नहीं है इस पर अल्लाह गवाह रहता है हमें चाहिए कि उस उसदो पैमान को पूरा करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा करके वादा खिलाफी करने वाला पैमान करके उसको तोड़ने वाला अल्लाह के नबी वसल्लम ने उसको मुनाफिक कहा है उसको मुनाफिक कहा है वो तीन बातें जो मुनाफिक की निशानी है या चार बातें उसमें से एक बात यह है वईज़ा आहदा गदरा जब वो किसी से वादा करता है तो गद्दारी कर जाता है बदअदी करता है आज बदहदी करना एक आम बात हो गई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लेकुल कियामा ले ले क़यामत के दिन हर गद्दारी करने वाले के पास एक झंडा होगा महशर के मैदान में अवलिन और आखरीन का इज्तम होगा तमाम लोग मौजूद होंगे और गद्दारी करने वाला धोखा देने वाला अल्लाह तबार व तआला उसके हाथ में एक झंडा देगा और एक रवायत में है सही मुस्लिम की अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी सुरीन पर एक झंडा गाड़ दिया जाएगा उसकी शर्मगा पीछे उस पर एक झंडा गाड़ दिया जाएगा कितनी जिल्लत होगी धोखे धोखेबाज लोग जो लोगों को धोखा देते हैं आप सोचें आदम अली सलात वाम से लेकर के क्यामत की सुबह तक पैदा होने वाले तमाम इंसान महशर के मैदान में होंगे और ये जिल्लत और रसवाई उसको तमाम इंसानों के सामने उठानी होगी अपनी कौम को धोखा देने वाला अपनी जमात को धोखा देने वाला अपने खानदान को धोखा देने वाला अपने दोस्तों को धोखा देने वाला अपने पार्टनर को धोखा देने वाला धोखा देने वाले की हालत क्या होगी प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं उसकी सुरीन पर एक झंडा गाड़ दिया जाएगा और देखने वाले को मालूम हो जाएगा कि ये लोगों के साथ गद्दारी किया करता था आज गद्दारी करना आम बात है हमने आपको बड़ा बनाया लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया और आपने लोगों के एतमाद का खून किया अल्लाह के नबी ससरम की एक हदीस याद आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन बुरा अंजाम होगा उन लोगों का जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं जब वो महशर के मैदान में लाए जाएंगे उनके हाथ पीछे बंधे होंगे उनकी गर्दनों से उनके हाथ को बांध दिया जाएगा फिर जब वो आएंगे अल्लाह के सामने हाजिर होंगे या तो अदलो इंसाफ के जरिए से उनके हाथ छूट जाएंगे और वो इज्जत पा जाएंगे और या तो जिल्लत और रुसवाई में इस तरह से उनके हाथ बंधे होंगे क्यों इन्हों उन्होंने अपनी कौम को धोखा दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले लेकुल्लगा ले तरीन लिवाऊ ले मकयामा सही बुखारी की हदीस है गद्दारी करने वाले को क्यामत के दिन एक झंडा गाड़ दिया जाएगा और सही मुस्लिम में आपने फरमाया कि उसकी सरीन पर एक झंडा गाड़ दिया जाएगा जिससे लोगों को देखने वालों को मालूम होगा कि यह गद्दारी किया करता था यह पैमान क्या है इसको पूरा करना ज़रूरी है इसकी बहुत सारी शक्लें एक ताजर जब अपने पार्टनर से किसी से मुआहदा करता है उसके साथ दरमियान एक मुआहदा होता है एक एग्रीमेंट होता है हमको भी पूरा करना ज़रूरी है आपको भी पूरा करना ज़रूरी है लोग क्या करते हैं धोखा दे देते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मुझे याद आ रहा इमाम है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ताजिर भी थे पहले के लोग दीनी काम के साथ साथ तिजारत भी किया करते थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे पास कुछ माल आया और उस माल की कुछ लोगों ने कीमत लगाई लेकिन मैंने फाइनल नहीं किया अब आप हमारा माल है आप ख़रीदना चाहते हैं हमने अभी फाइनल नहीं किया है उसकी कीमत मिसाल के की तौर पर पाँच हज़ार रुपये है मैंने फ़ाइनल नहीं किया कल देखेंगे आप चले गए हम चले गए सुबह के वक्त में उसकी कीमत किसी ने डबल लगा दी अब आप क्या करेंगे आप तो यही करेंगे ना कि भाई हमारे और आपके दरमियान बात फाइनल नहीं हुई थी आज हमारी माल की कीमत दस हजार रुपए है कल आप पांच हजार रुपए दे रहे इमाम बुखारी रहमतुल्ल है। कहते हैं उस माल की कीमत डबल हो गई लेकिन मेरे दिल ने मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि मैं अपने माल को डबल कीमत में बेच दूं। कल जो मेरे पास आदमी आया था खरीदने के लिए उसने उसकी कीमत पांच हजार रुपये लगाई थी मेरा दिल यह चाहता है कि मैं उसी के दे दूं मेरे भाइयों बदहदी करना तो दूर की बात है बदहदी करना तो दूर की बात है सोच भी नहीं सकते थे ये ये जो मर्तबे मिले हैं इतने ऊंचे ऊंचे ऐसे ही नहीं मिले हैं इमाम बुखारी अलैह को इमामहदसिन का अमीरुल उलमुहदसन का लकब जो मिला है ऐसे ही नहीं मिला बड़ी कुर्बानियां दी हैं चाहते सब हैं कि हूं औजे सुरैया पे मुकीम पहले पैदा तो करो अपने में वो कलब सलीम इमाम बुखारी रमतल इस वाक़े को जिक्र करते हैं उनके वाक़े में ये बात ज़िक्र है मालूम ये हुआ कि बदाहदी नहीं करनी चाहिए बदाहदी का एक शक एक की एक शक्ल ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान जब निकाह होता है पूरी जमात बैठी रहती है काजी निकाह पढ़ाता है एक एक नौशा सामने बैठा रहता है काजी चंद आयतें पढ़कर कहता है कि मैंने फला को आपके अक्द में दे दिया आपके निकाह में दे दिया क्या आपने कबूल किया तो नया दूल्हा क्या कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया है ना इसका मतलब क्या है आपने समझा कभी इसका मतलब यह है कि आज से अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया इसके बाद अपनी बीवी के तमाम अखराजात का जिम्मेदार मैं हूं यही है इसका मतलब लेकिन लालच छुपी हुई थी धोखा देते हैं लोग हमने वादा किया है काजी के सामने बैठ करके पूरी जमात के सामने हमने वादा किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपनी बीवी को खिला सकूं पिला सकूं उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं उसके दवा इलाज का इंतजाम कर सकूं उसके लिए घर और उसके पहनने के लिए कपड़े का इंतजाम कर सकूं मेरे अंदर इतनी ताकत है इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया अब आप उसकी जरूरत नहीं पूरी कर रहे हैं वो बीमार है उसका इलाज नहीं करा रहे हैं वो भूखी है उसको खाना नहीं खिला रहे हैं आपकी हैसियत है आप अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीबी का खर्च नहीं दे रहे हैं तो ये बदहदी नहीं है बिल्कुल बदहदी है जब बीमार हो जाए तो उसको मैके भेज दिया करें जब बीमार हो जाए तो उसको कहें अपने वालिद के घर चली जाए क्या इसीलिए शादी की है क्या इसीलिए हमने जमात के सामने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया नौजवानों तोबा करो तोबा करो कयामत के दिन अल्लाह तबारक तआला के सामने जिल्लत और रुसवाई ना उठानी पड़े इसलिए दुनिया में तोबा करके अपनी इस्लाह कर लें बदहदी करना धोखा देना यह इस्लाम में जायज नहीं है हुदैबिया के मौका पर अल्लाह के नबी सल्ला वसम चौदह सौ सहाबा के साथ उमरा की गरज से मदीने से निकले मक्का से तीन मील के फासले पर हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया गया और कहा कि आप मक्के में मक्के में दाखिल नहीं हो सकते हैं हालत हराम में थे चौदह सौ सहाबा थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में कयाम किया तीन दिन तक कयाम किया मक्का नहीं जाने दिया गया मुआहदा हुआ जिसको सुलह उदयबिया -e कहा जाता है मुआहदे उदयबिया कहा जाता है उसमें बहुत सारी बातें थी उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा उस मुआहदे में एक बात ये थी कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना चला जाए मक्का से मदीना चला जाए तो मदीने से उसको वापस भेजना पड़ेगा मुआहदे में ये बात जिक्र थी मक्का का कोई आदमी मदीना चला जाए तो मदीने वाले उसको मक्का भेजेंगे ये मुआहदा था लेकिन मदीना से कोई आदमी अगर मक्का आ गया है तो हम उसको नहीं भेजेंगे यह कैसा मुआहदा था लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे को मंजूर किया यही नहीं इसके अंदर बहुत सारी बातें थी जिससे बजाहिर यह लग रहा था कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने मुआहदा को मंजूर कर लिया अल्लाह तआला ने उसमें बरकत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हुदैबिया से ज़रा आगे गए थे अल्लाह ताला ने कहा इन्ना फतहना लका नतहम मुबीना हमने आपको फ़तह मुबीन अता कर दिया ये पहला मौका था कि मक्का के लोगों ने मुसलमानों को अपने हम पल्ला समझा था मुआहदा किससे किया जाता है हम किसी कमज़ोर से मुआहदा नहीं करते हैं हम किसी बहुत बड़े से मुआहदा नहीं करते हैं जब मुआहदा करते हैं तो इसका मतलब आप हमारे बराबर हो गए आप हमारे लेवल के हो गए हैं लेवल के लोगों से मुआहदा किया जाता है। ये पहला मौका था कि हदेबिया के मकाम पर मक्का के लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ मुसलमानों का वजूद है और मुआहदा हुआ मुआहदे पर दस्तखत हो गया अल्लाह के नबी सा अपने साहबा के साथ हैं अबू जंदल बेड़ियों में जकड़े हुए पूरा पूरे बदन में बेड़ियां पहने हुए हैं लोहे की जंजीरें तीन मील के फासले पर मक्का से खुदयिया कैसे आए होंगे हमारा सरदार आ रहा है हमारे लिए जरूर कोई रास्ता निकालेगा अबू जंदल बेड़ियों में जकड़े हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं चौदह सौ सहाबा हैं गिर पड़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा साहबा ने अपनी आंखों से देखा है उमर बिन खताब रजी अल्लाह तुमने कहा अल्लाह के रसोल मुआदा तोड़ दीजिए हम मुआहदे पर हम मुआहदे को नहीं मानेंगे अबू जंदल को हम इस तरह छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआहदा लिखा जा चुका है मुआहदे पर दस्तखत हो चुका है और मैं मुआहदे को नहीं तोड़ता हूँ मेरे भाइयों वो अबू जंदल जो तीन मील तक बेड़ियों में जकड़े हुए नबी के पास पहुंचे थे कैसा यकीन था नबी की बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू जंदल सबर करो अल्लाह रास्ता निकालेगा मेरे भाइयों हम परेशान होते हैं अपने बड़ों के पास जाते हैं क्यों हमारी परेशानी का हल निकालेंगे हमारे जख्मों पर मरहम लगाएंगे बड़ा इसीलिए बनाया जाता है ताकि बड़े छोटों के साथ शफकत और मेहरबानी करें लेकिन ये मौका था अबू ज़ंदल बेड़ियों में जकड़े हुए हैं पड़े हुए हैं है तो उमर ने कहा मुआहदे को तोड़ दिया जाए नबी ने कहा मुआहदा लिखा जा चुका है मुआहदे पर महर लग चुकी है दस्तखत हो चुका है मुआहदे को तोड़ा नहीं जाएगा हमारे नबी ने फरमाया अबू जंदल सब्र करो अल्लाह ताला बहुत जल्द रास्ता निकालेगा मेरे भाइयों हमारे नबी की बात पर सहाबा को भरोसा कैसा था वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ इंसान कहता है मेरे दिल में यकीन हो गया जब नबी ने कहा सबर करो अल्लाह रास्ता निकालेगा मैं उसी बेड़ी में गया उसी बेड़ी में वापस आ गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह बहुत जल्द रास्ता निकालेगा हुदैबिया सन छे हिजरी का वाकया सन आठ हिजरी में अल्लाह ने मक्का फतेह कर दिया मेरे भाइयों सिर्फ दो साल के अंदर दो साल के अंदर मुसलमान दस हज़ार का लश्कर लेकर के मक्का पहुंचते हैं और मक्का फतेह हो जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई जो अबू जंदल के साथ आपने की थी कि आप सब्र करो रास्ता निकाले निकलेगा मेरे भाइयों बड़ों पर एतमाद करना सीखें नबी की बातों पर ईमान लाएं मेरे भाइयों ये हालात हमको बताते हैं कि इंसान को बदहदी नहीं करनी चाहिए कैसे भी हालात आए हमें अपने ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक हमें वो काम जिससे बचने के लिए मना किया गया है अल्लाह हमें उन कामों से बचने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खात्मा हो तो ईमान بالخير فارهو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل ذلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويتعذي ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه